हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, चाहे आप 165 कोड पढ़ते हो, हाई स्कूल में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आपका कोड 165 हो या 402 हो, ठीक है, दोनों ही में एक चीज कॉमन है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ओपन ऑफिस भी आ रहा है, अगर तो उसमें क्या करेंगे हम, कैसे उसमें देंगे, क्योंकि ओपन ऑफिस तो हमारे लिए एकदम से अनजान है, हमने ओपन ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा है। तो घबराइए मत, मैं आपको दोनों ही दिखा देता हूं। देखिए, तुलना करके दिखाता हूं। देखिए, ओपन ऑफिस मैंने ओपन किया है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको क्लोज करता हूं। जब आप ओपन ऑफिस को ओपन करेंगे तो कैसे ये ओपन होगा, देखिए सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये आएगा। अब ये सॉफ्टवेयर जो अपाचे सर्वर द्वारा डेवलप किया गया है, अब ये अपाचे द्वारा डेवलप किया गया है, तो यहां पर देखेंगे तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे और यही सारे आपको एमएस ऑफिस में भी मिलते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर है, यहां पर स्प्रेडशीट दिया हुआ है, ये एमएस एक्सेल जैसा है, ये एमएस पावर पॉइंट जैसा है, यहां पर ड्रॉइंग कर सकते हैं आप, डेटाबेस जैसा जो सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस हमको वहां मिलता था, यहां डेटाबेस मिलता है, फॉर्मूलाज वगैरह लगाना है, टेम्पलेट्स अगर इंसर्ट कराने हैं तो यहां से करा सकते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम कहां जाएंगे, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसी चीज को यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर है, इसे हम बोलते हैं ओपन ऑफिस राइटर। ऊपर देखिए राइटर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये लिखा हुआ है ना राइटर। अब देखिए डिफरेंस जो है, सबसे मेन डिफरेंस वो एक्सटेंशन का होता है, ठीक है, आप इसमें धीरे धीरे करके काम करना सीख जाएंगे। इसमें मैक्सिमम जूमिंग जो है राइटर में वो 600% की होती है, तो यहां से अगर आप जूम करते जाइए, जूम करते जाइए, यहां पे देखिए ये जूम कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए ये मैक्सिमम जूमिंग कितनी है, 600% की है। अब इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूं, ठीक है, 100% पे। इसी तरह से एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, तो वो 500% होती है। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंस है जो दोनों के बीच में है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी शॉर्टकट कीज इसमें सेम भी है, डिफरेंट नहीं है, बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको यहां पर सेम ही मिलेंगी। तो अब इस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला भी हिस्सा जो है कुछ सेम ही है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों को देख सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करता हूं, देखिए यहां फाइल पर गया मैं और यहां सेव पे चला जाता हूं, सेव एज पे भी जा सकते हैं आप, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां माई ओपन के नाम से सेव करता हूं, माई ओपन, ठीक है, माई ओपन ये हमने सेव किया और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, सेव कर लिया। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद इसको भी सेव कर लेते हैं, तो फाइल पे जाएंगे और यहां से सेव पे चले जाएंगे, ठीक है। तो सेव पे जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अभी मैं क्या करता हूं, इसको सेव एज कर देता हूं, पहले से मैंने सेव कर रखा है इसको, इसीलिए। तो यहां पर जाकर के अब इसको वर्ड के नाम से ये सेव है, तो वर्ड माई कर देता हूं, ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे ही हम करेंगे सेव। तो ये डेस्कटॉप पे जाइए और यहां से वर्ड माई के नाम से इसको सेव कर दीजिए। तो अब हम चलेंगे यहां पर, तो एक तो हमारा है ये माई ओपन के नाम से, तो यहां पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहां प्रॉपर्टीज पे आइए। तो जब प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो इसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो .odt है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, जो हर फाइल को एक दूसरे फाइल से अलग करता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे सॉफ्टवेयर को अलग करता है, ठीक है। अलग अलग दो सॉफ्टवेयर हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों ही को अलग करता है एक्सटेंशन, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सटेंशन का है, ठीक है। यहां पर आइएगा तो यहां पर भी आप वही चीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो यहां .docx मिलेगा, पुराने वर्जन में आपको सिर्फ .doc मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो दोनों के बीच में है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी कंफ्यूजन। अब चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको इसमें मिलते हैं। आप एक्सेल यूज करते हैं, एमएस ऑफिस में क्या हम यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सेल खोलेंगे तो एक्सेल का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है। अब देखिए ये यहां से ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे हम, तो ये हमारे पास एक वर्कबुक आ जाएगी, ठीक है। बिना इज इक्वल टू के कोई भी फॉर्मूला यहां भी नहीं लगा सकते। और आप यहां पर आएंगे, इसको मैं क्लोज करता हूं, देखिए ये ओपन ऑफिस राइटर ओपन है, इसको यहां से क्लोज कर दिया मैंने। अब ये स्प्रेडशीट पे जाएंगे तो ये भी एक्सेल जैसा इंटरफेस ही आपको दिखेगा, सारी चीजें एक्सेल जैसे ही है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर को एड करना है, ठीक है, तो दो नंबर को एड करने का भी सेम वे है, बिना इज इक्वल टू के यहां पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहां पर टैब नहीं काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा, टैब करेंगे तो ये एरर आ जाएगी, ठीक है, टैब यहां काम ही नहीं करेगा, कुल मिलाकर ये कहना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर रखिए कर्सर को और इन दोनों को यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सम हो के आ गया। सेम यही फंडा एक्सेल में भी लागू होता है।
तो आइए एक बार एक्सेल में भी देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये मैंने करके दिखाया है, मैं एक बार फिर से कर देता हूं इसी चीज को। इज इक्वल टू सम लिखा हमने इस तरीके से, ये सम हो गया। यहां पे टैब काम कर जाएगा, ये फायदा है आपको एक्सेल में, यहां पे टैब काम करता है, ठीक है। और इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहां पे देखिए 74 आ गया, आंसर आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब देखिए यहां पर मैं इसको फिर से क्लोज करता हूं, तो यहां से इसको क्लोज करेंगे। अब हम दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देता हूं, यहां से प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर, तो यहां पर क्लिक किया, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको टेम्पलेट से लेके आना, टेम्पलेट बना बनाया जो फॉर्मेट होता है उसे टेम्पलेट बोलते हैं। तो आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं टेम्पलेट वाला, तो हम एम्प्टी ही लेंगे, ठीक है। प्रीव्यू आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा बैकग्राउंड चाहिए, ब्लू बॉर्डर वाला चाहिए, ब्लू लाइंस चाहिए, कैसी चाहिए, तो यहां पे ब्लू ग्रेडियंट लाइन ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। और इफेक्ट वगैरह जैसा भी चाहिए आप यहां पे सारा सेट कर सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो एक इस तरह का आपके पास प्रेजेंटेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। बाकी एनिमेशन वगैरह लगाने का सारा तरीका वही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन वाला। एक्सेल में क्या था, एमएस ऑफिस में क्या था आपका, तो एमएस ऑफिस में आपको पावर पॉइंट ओपन करना था, तो यहां पे POW या पावर लिखते हैं तो ये पावर पॉइंट ओपन हो जाता है, ठीक है। यहां पे क्लिक कीजिएगा तो पावर पॉइंट ओपन होगा, तो पावर पॉइंट ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए कुछ बनाया है मैंने पहले से, फिलहाल इसको क्लोज करता हूं, यहां पे जाता हूं, इसको क्लोज कर दिया मैंने, इसको पूरे को क्लोज कर देता हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, एक चीज और दिखा देता हूं आपको, इसको भी क्लोज करता हूं। ये पावर पॉइंट जो हमने ओपन किया इसको हम इंप्रेस बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, इसको अगर मैं सेव करता हूं, यहां से सेव पे जाएंगे हम, तो सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन कर दिया हमने और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। तो इसके जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो यहां पे दिखाई पड़ेगी, तो जब यहां पे जाएंगे तब दिखाई पड़ेगी। इसको पहले एक्सेल को जो ओपन किया है इसको क्लोज कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ये दो पेजेस ओपन हो गए हैं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। तो ये प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है, यहां पर जाएंगे एक्सटेंशन से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर होता है .odp, तो ये जो ओपन ऑफिस है इसका .odp हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन करता तो क्या होता, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हो जाता आपका .ppt, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पावर पॉइंट लिखता हूं, वही चीज है जो मैंने अभी ओपन किया था, तो यहां पे देखिए ये ओपन हुआ है। यहां पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और इसको मैं सेव करके एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए इसी को ब्लैंक ही है, लेकिन मैं इसको सेव करके दिखाता हूं इसका एक्सटेंशन क्या होगा। ये डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, प्रेजेंटेशन वन के नाम से ये सेव हो रहा है, प्रेजेंटेशन वन ही रहने देते हैं और यहां पे सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब ये सेव तो कर दिया है हमने प्रेजेंटेशन वन के नाम से, लेकिन इसका एक्सटेंशन हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे देखिए .pptx आ रहा है, पुराने वर्जन में .ppt केवल होता है, ठीक है। इसमें एक्स जुड़ गया है, ये 2019 है, ठीक है। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक लास्ट में सॉफ्टवेयर बचा हुआ है हमारे पास, जिसे बेस डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूं और यहां से आते हैं डेटाबेस पर। तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्रिएट न्यू डेटाबेस बोल रहा है, ठीक है। अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहां नेक्स्ट पे जाइए और बस इसको रजिस्टर तो हमें करना नहीं है, तो नो डू नॉट रजिस्टर पे जाकर के और यहां से फिनिश कर देंगे तो आपके पास ये नया डेटाबेस आ। इसके जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .odb, ठीक है। यहां पे देखिए ऊपर ही दिख रहा है यहां पे ODB, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है .accdb होता है। तो एक्सेस तो आपने देखा ही है, एक्सेस कैसे किस तरीके से हम एमएस ऑफिस में यूज करते हैं। तो ये बहुत आसान है, आई होप कि इससे कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।